आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजीव गुंबर, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है। देखिए वो क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। वोटिंग जो है वो लगातार चल रही है। इस समय हम सहारनपुर शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है कवर कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय राजीव गुंबर साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप वोट डाल आए हैं सर, तो क्या उम्मीद जताते हैं आपके लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की विधानसभा की जनता? सहारनपुर की जनता मुझे पूर्ण आशीर्वाद देने का काम करेगी। मैंने सहारनपुर की जनता के सुख दुख का सहभागी बनकर उनकी समस्याओं को हमेशा निदान करने का काम करा है। मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में मैं हर पल जनता के बीच में हर दिन और प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध रहा हूँ, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बड़े पैमाने में विकास हुआ है, सुरक्षा का वातावरण बना है और सहारनपुर में भी विकास कार्य है, उसके बलबूते पर मैं कह सकता हूँ सहारनपुर की जनता पूर्ण आशीर्वाद देगी। राजीव गुंबर है सपरिवार जो है वोट डालने के लिए पहुंचे थे और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो और लोकल मुद्दे हो, उनको लेकर जनता जो है वो कहीं ना कहीं वोट डालने जो है पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है। लेकिन आज गेंद जो है वो जनता के पाले में, दूसरे चरण के लिए लगातार वोटिंग चल रही है। सहारनपुर जिले की अगर बात करें तो 7 विधानसभाओं पर अलग अलग जगहों पर ये मतदान जो है वो चल रहा है। ऐसे में तय जनता को करना है कि आखिर जनता किस किस साथ जाती है। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज सहारनपुर।